लास्ट के 20 दिनों में क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, जिससे कि आपकी सफलता प्रीलिम्स में सुनिश्चित की जा सके। हाय एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा सेतु। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPGK की स्ट्रेटजी के ऊपर। जैसे कि अगर हम बात करें MPGK का जो वेटेज जब हम देखते हैं तो 30 to 35 क्वेश्चन हमेशा ही आता रहा है, और 30 to 35 क्वेश्चन, अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन में से ये सारे क्वेश्चंस आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए लास्ट मोमेंट में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा इस बस इतने से ही हो जाएगा, ये कि आपको विशेषता किस चीज़ पे ध्यान देना है। जनरली जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के GK की, तो इसमें आप इतिहास को देखते हैं, भूगोल को देखते हैं, राज व्यवस्था को देखते हैं, कला एवं संस्कृति और अर्थव्यवस्था, ये मूलतः सब्जेक्ट आते हैं जिसमें कि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, और स्पेशली जब किसी एक राज्य के बारे में आप जानते और पढ़ते हैं, राइट। लेकिन हम इतना सारा, देखिए 20 दिन का समय है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको MPGK पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट भी, बाकी यूनिट्स भी आपके पास हैं। इसलिए लास्ट मोमेंट में आपको क्या पढ़ना चाहिए, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मध्य प्रदेश की रियासतें, या फिर हम कहें मध्य प्रदेश का इतिहास का जो पार्ट है उसमें हमने रखा है मध्य प्रदेश की रियासतें, और रियासतों से जब से सिलेबस चेंज हुआ है क्वेश्चन आते ही रहे हैं, तो इसमें से आपको क्या पढ़ना है। देखिए पढ़ने को बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं और आपको रटने की ज़रूरत भी है, लेकिन ऑन द मोमेंट अब आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप रियासतों में स्पेशली इनके संस्थापक देख लें। जैसे कि हम बात करते हैं इंदौर रियासत की बात करते हैं, हम सिंधिया रियासत की बात करते हैं, हम और भी ओरछा के जितने भी हैं, जितनी भी रियासतें हैं उन सबके संस्थापकों के बारे में आप देख लें एक बार। दूसरी चीज़ आती है इनके स्थापत्य, इनके स्थापत्य, किसी ने कोई महल बनाया, किसी ने कोई बावड़ी बनवा दी, किसी ने कोई किला बनवाया, इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर देख के जाएँ, और स्पेशली भोपाल रियासत को, और ज़्यादातर आपको ध्यान देना है भोपाल रियासत में जो बेगमों का शासन रहा है, किसका, बेगमों का जो शासन है भोपाल रियासत की मैं बात कर रही हूँ, इनके बारे में ज़रूर देख के जाएँ, इनने जो भी बनवाया, जो भी चीज़ें की, उन सबको एक बार ज़रूर देख लें। दूसरी चीज़ आती है जनजातियाँ, मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनजातियों वाला प्रदेश हो जाता है, और हम जब जनजातियों की बात करते हैं तो 47 प्रकार की जनजातियाँ मध्य प्रदेश में आती हैं। यहीं से दूसरी चीज़, प्रतिशत में मिजोरम आता है, इस चीज़ को भी याद रखना, संख्या में 46 कहीं 47 ऐसा मिलता है, तो 47 प्रकार की जनजातियां मध्य प्रदेश में है, तो सर्वाधिक जनजातियों वाले राज्य होने के नाते आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आपको इसमें से क्या क्या देखना है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारी जनजातियां हैं, बहुत कुछ है, तो आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले कि इनके नृत्य पढ़ लें, क्योंकि इनके नृत्य समार कला संस्कृति पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जनजातियों से जब भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इनके नृत्य देख लें, क्षेत्र देख लें, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे हम बात करते हैं सहरिया है, आपकी भील है, गौड़ है, बैगा है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये सारी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इनकी क्या अवस्थिति है ये आप ज़रूर देख लें। अगली चीज़ आती है जनजातियों के बारे में, विवाह पद्धति। देखिए जनजातियों में एक अपनी अलग प्रकार की विवाह पद्धतियों को ये फॉलो करते हैं, और इसलिए इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं, कहीं गोल गधेड़ो है, कहीं भगोरिया है, अलग अलग तरीके की प्रजातियाँ हैं, सॉरी नृत्य, ये जो विवाह पद्धतियाँ हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। इसलिए आप इनकी विवाह पद्धतियाँ ज़रूर देख लें। अगला आता है साहित्यकार, साहित्यकारों से बहुत क्वेश्चन आते हैं हर साल, 1 से 2, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, एक साथ उन्होंने जोड़ी मिलाने के लिए दे दी थी, तो एक साथ 4 क्वेश्चन आ गए थे, तो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, छोटा सा टॉपिक है, और इस चीज़ को आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको साहित्यकारों के बारे में, आपको कौन सी चीज़ है जो पढ़नी चाहिए, सबसे पहली कि इनका संबंधित जिला, जैसे हम बात करते हैं कि उज्जैन से जो संबंधित हैं उनके बारे में, होशंगाबाद से संबंधित हैं उनके बारे में, सतपुड़ा के घने जंगल किसने लिखा, किसकी रचना है, उस तरीके की चीज़ें। फिर आती हैं रचनाएँ या कृतियाँ, राइट, रचनाएं कृतियां बहुत पूछी जाती हैं, रश्मि रथी बार बार रिपीट होती आई है, तो उसको देख लें एक बार।
ठीक है। उसके बाद और भी जो साहित्यकार हैं उनकी सबकी रचना एक बार आप लोग देख लीजिएगा, और उसके बाद आपको देखना है उपनाम। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कि इसको भारतीय आत्मा कहा जाता है, किसे क्या कहा जाता है, कौन व्यंग्य के क्षेत्र में रचनाएँ लिखता था, कौन क्या करता था, उस तरीके की चीज़ें एक बार आप साहित्यकारों के परिप्रेक्ष्य में देख लेंगे। अगला आता है नदियाँ, और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका कहा जाता है, और इसलिए इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, उसकी लंबाई कितने क्षेत्र में बहती है, कहाँ से निकलती है, कौन नदी किससे मिलती है, कहाँ जाके इसका संगम होता है, कहाँ अवसान होता है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, तो ये ज़रूर आप एक बार देख लें, राइट। पूर्व पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, इस तरीके से नदियों का दिशाओं में बहना भी एक बार आप देख लेंगे। फिर आते हैं नगरों के प्राचीन नाम, इससे भी एक से दो क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे मांडू को शादियाबाद कहा जाता है। लास्ट टाइम काकनाद सांची का पूछ लिया था, ऐसे ही हो सकता है विदिशा का पूछ लिया जाए, और भी जैसे दमोह का पूछ लिया जाए, जितने भी नगर हैं मुश्किल से 10, 12, 15 होंगे, और इसको यदि आप पढ़ लेते हैं तो एक से दो क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन जाते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल आते हैं इससे क्वेश्चन। फिर आता है पर्यटन, पर्यटन के लिए भी मध्य प्रदेश बहुत जाना जाता है। भाई अलग अलग तरीके के पर्यटन आते हैं, कभी हम वन पर्यटन की बात करते हैं, कभी धार्मिक की, कभी ऐतिहासिक की, तो आपको क्या पढ़ना है, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, तो सबसे पहली चीज़ तो किले, किलों का रत्न, जैसे हम बात करते हैं ग्वालियर के किले को कहा जाता है, मृगनयनी महल किसने बनवाया, बादल महल कहाँ है, किसने बनवाया, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देख लेनी है कि किसने इसका निर्माण किया, निर्माण किसने किया और कहाँ स्थित है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख के जाएँ, ठीक है। जैसे जहाज महल हो सकता है पूछ लिया जाए, मांडू का, ग्वालियर, इस तरीके के किले आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को, किलों को एक बार देख के जाएँ, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है, एक आध पेज में आपका सारा का सारा टॉपिक कम्प्लीट हो जाता है। फिर एक और चीज़ आती है यूनेस्को में, या फिर कहें विश्व धरोहर जो स्थल हैं जो मध्य प्रदेश से शामिल किए गए हैं, तीन ही हैं, उनको ज़रूर स्पेशली देख लेना आप, राइट। एक सांची है, खजुराहो है, और हाँ खजुराहो के बारे में ज़रूर थोड़ा सा ठीक से पढ़ लेना, किस वंश का शासन था, कौन कौन सा मंदिर है, किस किसने बनवाया, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्यों प्रसिद्ध है, और हाल ही में जो वहाँ पे नृत्य उत्सव हुआ था उससे भी हो सकता पूछ लिया जाए, राइट। हालांकि ये इतिहास के पाठ के अंतर्गत भी आ जाता है, लेकिन पर्यटन में भी खजुराहो को हम भूल नहीं सकते हैं, राइट। शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है, मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ के पे कई मंदिर हैं जो कि विश्व स्तर पे जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। फिर आता है यूनेस्को में जो शामिल है, जैसे सांची हो गया, आपका भीमबेटका हो गया, इन सब के डेट ज़रूर देख लें कि कब कब किसको शामिल किया गया था। यहाँ से आप कर लेंगे तो मुश्किल से 10-12 लाइन में आपका ये टॉपिक भी कम्प्लीट हो जाएगा, ओके। चलिए अगला जो आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो आते हैं पार्क और अभ्यारण्य। पार्क यानी कि नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है, अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे अवस्थित हैं, तो स्थान बहुत ज़रूरी है, राइट। जैसे कि गौ अभ्यारण्य है पूछा जा सकता है, मोर अभ्यारण्य कहाँ पर है ये पूछा जा सकता है, तो कुछ ऐसी चर्चित चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। दूसरी चीज़ आती है हाल ही में चर्चित, ये आपके करंट में भी ऐड हो जाता है, लेकिन जब हम एमपी जीके की बात कर रहे हैं तो हाल फिलहाल में जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं, जैसे चंबल में घड़ियालों का संरक्षण लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो उस तरीके में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घड़ियालों के संरक्षण मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ किया जा रहा है, कौन कौन सी नदियों में किया जा रहा है, और जो नेशनल पार्क है वो, और साथ में हम टाइगर स्टेट का दर्जा भी फिर से हमने पा लिया है, सबसे ज्यादा घनत्व वाला नेशनल पार्क कौन सा है, कितने नेशनल पार्क हैं जो हमारे टाइगर रिजर्व में आते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें यदि आप देख लेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। दूसरी चीज़, जब भी आप नेशनल पार्क पढ़ते हो तो नेशनल पार्क के लिए एक और वीडियो हमने अपलोड किया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हो, राइट।
ओके अगला आता है जनगणना। जनगणना से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक को आप क्विट नहीं कर सकते हैं। और एक और बात, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि किसी ने बिल्कुल ही मतलब कि सारी चीज़ें बस यहीं से आने वाली हैं, मैं ये कह रही हूँ जो ज़्यादातर संभावना है, क्योंकि हर साल इनसे इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो लास्ट मोमेंट में आपको किन किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है उस पर हम बात कर रहे हैं। जनगणना की बात करें तो आबादी, मध्य प्रदेश की आबादी कितनी है, घनत्व कितना है, सब सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है, सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है। फिर आता है आपका लिंगानुपात, लिंगानुपात मध्य प्रदेश का कितना है, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश और भारत का थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेना, राइट, कि उस मध्य भारत का कितना है और मध्य प्रदेश का कितना है। तो कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आता है लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है। सर्वाधिक वाला जिला आ जाता है और कम वाला जिला आ जाता है। सर्वाधिक कम ज़्यादा कहाँ है और कम कहाँ है, वही चीज़ सेम आ जाती है साक्षरता में। मध्य प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत कितना है, ठीक है, महिलाओं का प्रतिशत कितना है, फिर आता है पुरुषों का प्रतिशत कितना है, और उसके साथ ही जनजातियों वाला भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, स्पेशली साक्षरता की दृष्टि से। जनजातियों को मैंने अलग से इसलिए लिखा है, सर्वाधिक जनजातियों वाले प्रदेश हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों का प्रतिशत कहाँ है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है, सबसे ज़्यादा संकेंद्रण कौन से ज़िले में है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको स्पेशली ध्यान देना है। देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जब हम एक एक टॉपिक को उठाते हैं तो कई कई दिन भी, आप कम से कम एक टॉपिक को अगर करेंगे ना तो 4 से 5 दिन भी एक टॉपिक को लग सकते हैं। लेकिन आप लास्ट मोमेंट में जो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ पॉइंट हैं, उन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले आते हैं खेल। खेलों से मध्य प्रदेश पीएससी का बड़ा अच्छा ही कुछ वो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा लगाव है, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। तो खेल में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या आपसे पूछी जा सकती हैं। पहली चीज़ आती है पुरस्कार। मध्य प्रदेश के खेल से संबंधित पुरस्कार हाल ही में किस किस को दिए हैं, क्या क्या दिए हैं, साथ ही खेल के अलावा और बाकी भी, जैसे नॉर्मली भी हम पुरस्कारों की बात करें, पुरस्कारों से भी क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी स्थापना और क्षेत्र दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है, स्थापना और किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्षेत्र क्या है, राइट। तो दोनों ही जगह खेल में भी और बाकी के क्षेत्रों में भी जो पुरस्कार मध्य प्रदेश में दिए जाने वाले हैं, इनको आपको देखना है। और हाल ही में जो दिए गए पुरस्कार हैं, को मध्य प्रदेश के अगर किसी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो एकलव्य पुरस्कार मिला है, तो वो बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। फिर आते हैं खेल स्टेडियम या फिर मैदान। तो हाल ही में चर्चाओं में रहे हैं जो भी, जैसे कि कुछ टाइम पहले ही इंदौर में क्रिकेट चल रहा था, तो उस चीज़ को लेके भी हो सकता है पूछ लिया जाए, स्टेडियम का नाम पूछ लिया जाए, खेल संस्थाएं पूछ लिया जाए, तो उन सारी चीज़ों को आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, राइट। खेल स्थान पूछा जा सकता है संबंधित खेल, कि भाई रूप सिंह स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है, फिर बाद में हम बात करते हैं तो नेहरू स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है, इंडोर कौन से हैं, आउटडोर कौन से हैं, बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, हॉकी कहाँ खेला जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। फिर अगर हम करंट की बात करें तो हाल ही में चर्चाओं में कुछ खिलाड़ी, राइट, जिनको कुछ पदक मिला हो, उन्होंने कुछ ऐसी अचीवमेंट हासिल की हो, तो उस चीज़ के लिए भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान में देने हैं। अगली बात आती है योजनाओं। योजनाओं के लिए आपको वर्ष याद रखना है योजनाओं का, कुछ पुरानी योजनाएं भी पूछ ली जाती हैं, कुछ हाल फिलहाल की भी पूछ ली जाती हैं। तो 20, 21, 22 और 23 इन ईयर्स में यदि कोई योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, तो उस चीज़ को तो मतलब लपक के आप रख ही लेना कि भाई ये वाला तो रख लेते हैं, ठीक है। अगला, योजनाओं के बारे में क्या क्या पढ़ना, स्थान कहाँ से शुरू हुई, जिला बहुत पूछ लिया जाता है, स्थान मतलब किस जिले से प्रारंभ हुई ये पूछ लिया जाता है, लक्षित समूह कौन कौन सा है, कोई योजना शुरू की गई है तो किसके लिए शुरू की गई है, इस योजना से लाभार्थी कौन कौन से हैं, ज़्यादातर प्रबल संभावना है आपसे, जैसे अभी लाडली बहना वाला बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था, तो हो सकता है पूछ लिया जाए,
ठीक है, वो भी 31 जनवरी की बात है और अभी आप मई में एग्जाम देने जा रहे हो, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि रिसेंटली वाला पूछ लिया जाए। तो ये भी याद कर लेना कितने पैसे मिलेंगे, किसको मिलेंगे, क्या क्या उसकी चीज़ें हैं, स्पेशली इस चीज़ को ध्यान दे लेना। फिर आते हैं आपके उद्योग, राइट। उद्योग में कब कौन सा उद्योग स्थापित हुआ, उद्योग केंद्रों की हम बात करते हैं, जैसे वित्त आयोग की भी बात कर लेते हैं साथ में, कौन कौन सा उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है, स्थानों के बारे में, स्थान मतलब जिला, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे मालनपुर है, मालनपुर, मनेरी, ठीक है, इस तरीके की कुछ ना कुछ हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि मालनपुर कहाँ है, मनेरी कहाँ है, साथ ही कुछ और जो हमारे यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको आपको देखे जाना है। और एक और चीज़, उद्योग नीति ज़रूर देख के जाना, उद्योग नीति, ठीक है। अब तक मध्य प्रदेश में कितनी उद्योग नीतियाँ आ चुकी हैं, प्रथम कौन सी थी और अब तक कितनी आ चुकी हैं, ये सारी चीज़ें आपको देख के जाना ही है। लास्ट मोमेंट में इतना कर लीजिए, बहुत हद तक आपको इसमें हेल्प मिल सकती है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अगर कंटेंट अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल रहा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ स्ट्रेटजी और कुछ वीडियो यदि आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और पढ़ते रहिए, बहुत कम समय है और अब ये वो समय है कि अब आप या तो आर हो सकते हैं या पार हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके पढ़ने के तरीके पर, आपके पढ़ने की स्ट्रेटजी पर कि आप किन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।